विपक्ष अपनी बात रख रहा है, जो जो वादे किए गए थे क्या उन वादों पे सरकार उतरी है पूरी? बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और जो महंगाई दिखाई दे रही है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, सरकारी संरक्षण में हो रहा है, और महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। बड़ी बेरोजगारी हुई है, जो इन्वेस्टमेंट के सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। देश के पैमाने पे जिस तरीके से शमसार किया है मणिपुर की घटना ने, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। और मणिपुर में घटनाएं आज भी नहीं रुक रही हैं, आज भी लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, और ख़ासकर महिलाओं के ऊपर इतना अन्याय कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा हो रहा हो और सरकार केवल देख रही हो। इस सरकार के पास जवाब नहीं है, जनता तैयार है, 24 में भारतीय जनता पार्टी हटेगी। दिल्ली में बीजेपी की अगर दिल्ली में सरकार होती तो क्या ये बिल लाते? वो क्या उनकी पावर्स को छीनती? विपक्ष अपनी बात रख रहा है, जो जो वादे किए गए थे क्या उन वादों पे सरकार उतरी है पूरी? बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और जो महंगाई दिखाई दे रही है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, सरकारी संरक्षण में हो रहा है, और महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। बड़ी बेरोजगारी हुई है, जो इन्वेस्टमेंट के सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। देश के पैमाने पे जिस तरीके से शमसार किया है मणिपुर की घटना ने, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। और मणिपुर में घटनाएं आज भी नहीं रुक रही हैं, आज भी लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, और ख़ासकर महिलाओं के ऊपर इतना अन्याय कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा हो रहा हो और सरकार केवल देख रही हो। इस सरकार के पास जवाब नहीं है, जनता तैयार है, 24 में भारतीय जनता पार्टी हटेगी। दिल्ली में बीजेपी की अगर दिल्ली में सरकार होती तो क्या ये बिल लाते? वो क्या उनकी पावर्स को छीनती?